और एक बात मैं और संदेश देना चाहता हूँ, महाशिवरात्रि तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि से भी बहुत बड़ा एक पर्व है माक्षर मास आद्रा नक्षत्र। उस दिन भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट, एक बहुत बड़ी ज्योति प्रकट हुई थी, जिनको ज्योति पर्व भी कहा जाता है, उसको आद्रा नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं। और कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में विशेष प्रकार से महादेव का दर्शन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, तो इस मनुष्य को 100 महाशिवरात्रि का पुण्य मिलता है। एक महाशिवरात्रि मतलब 100 अश्वमेघ यज्ञ, महाशिवरात्रि की पूजा, महाशिवरात्रि का व्रत, 100 अश्वमेघ यज्ञ पुण्य है। और ये 100 महाशिवरात्रि समान पुण्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास दे सकता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार कम हुआ, इसीलिए लोगों को पता नहीं। हम रामेश्वर में कथा गा रहे थे तो मैंने देखा घर घर पर 5 दिन पहले दीप प्रज्वलित करते थे। मैंने पूछा कि क्या है, तो दीप पर्व चल रहा है, ज्योति पर्व चल रहा है, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास आने वाला है, इस दिन भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा विष्णु के सामने ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आपको याद रखना है माक्षर मास आद्रा नक्षत्र, पंचांग में देख लीजिए, इनमें कुछ समय लिखा रहता है कि इस समय हम तो जाहिरत करते हैं कथा के माध्यम से, लेकिन सबके पास संदेश नहीं पहुंचता, तो आप जरा पंचांग में देख लीजिए, इसमें लिखा रहता है अगले साल। अब तो माक्षर मास चला गया, अगले साल दीपावली के बाद जो माक्षर मास चलेगा, इनमें आद्रा नक्षत्र की विशेष महिमा है। आंगन में रंगावली बना दे, आंगन में सुंदर दीप प्रज्वलित करें,